दबा दिया। आज अपन पढ़ेंगे कोशिका की संरचना एवं कार्य, है ना। कोशिका क्या होती है? किसी भी जीव, चाहे वो एक छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, उसका शरीर जो काय से मिलकर बना होता है, कोशिका का, है ना। किससे मिलकर बना होता है? कोशिका का। यानी अपने जीवन की आधारभूत रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं यहाँ पर? कोशिका। इसके लिए एक उदाहरण हम समझे कि अपन कोई मकान बनाते हैं, है ना। मकान बनाने के लिए अपन को सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है? ईंट की, सीमेंट की, सरिये की, बहुत सारी चीज चाहिए मकान बनाने के लिए। तो अपन एक ईंट ऐसे करके, ईंट के ऊपर ईंट रख के क्या बनाते हैं? दीवार। दीवार से क्या बनता है? एक चार दीवारों से एक कमरा, और इस कमरे से क्या बनता है? एक पूरा मकान। तो मकान की जो सबसे छोटी से छोटी इकाई हम क्या कह सकते हैं? ईंट। इसी तरह किसी भी जीव की छोटी से छोटी जो इकाई है वो क्या कहलाती है? कोशिका, है ना। कोशिका जीव दो तरह के रहते हैं, एक कोशिकी जीव और बहुकोशिकी जीव। एक कोशिकी जीव किसे कहते हैं? जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, तो एक कोशिकी जीव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा और पैरामीशियम, ये एक कोशिकी जीव कहलाते हैं। इनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, इसलिए इनको एक कोशिकी जीव कहते हैं। और बहुकोशिकी जीव जैसे हाथी, बंदर, मनुष्य, बरगद, ये क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकी जीव, है ना। दो प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। अब सबसे पहले देखेंगे कोशिका बहुत छोटी से छोटी इकाई है, जिसे हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते। तो इसको देखने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? सूक्ष्मदर्शी की, है ना। सूक्ष्मदर्शी यानी किसी छोटी से छोटी चीज को बड़ा करके बताती है। तो सूक्ष्मदर्शी की हमको आवश्यकता काय के लिए पड़ती है? कोशिका को देखने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कोशिकाओं के आकार एवं आकृति। तो कोशिका के आकार और आकृति कभी भी समान नहीं रहती। एक कोशिकी जीव जैसे अमीबा क्या है? अनियमित आकृति का रहता है, और पैरामीशियम की आकृति हमेशा एक जैसी होती है। और बहुकोशिकी जो जीव है, जैसे मनुष्य, बंदर, बरगद, इसमें कोशिका कई आकार की रहती है। गोलाकार रहती है, अंडाकार रहती है, घनाकार रहती है। यानी कोशिका कभी भी आकार और आकृति समान नहीं होती है। इस प्रकार जैसे अपन को एक उदाहरण, एक चीज और पढ़ा कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, ये बात तुम लोग नोट कर लेना। सबसे बड़ी कोशिका किसकी रहती है? शुतुरमुर्ग नामक पक्षी के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी रहती है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की, किसकी? माइकोप्लाज्मा नामक जीव की होती है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ये तीनों चीज जरूर नोट कर लेना, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका किसकी, कहां, किसमें किसमें पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे कोशिकाओं के अंग, है ना। तो दो प्रकार की कोशिका के विषय में पढ़ेंगे। एक है पादप कोशिका, दूसरी है जंतु कोशिका। इनके अंदर पाए जाने वाले ये जो कोशिकांग है, ये पादप और जंतु कोशिका में बिल्कुल समान रहते हैं, है ना। सबसे पहले जैसे ये पादप कोशिका की बाहरी आवरण दो भित्ति वाला दिख रहा है, डबल लेयर है ना। कितनी परत है? दो परत वाला। तो इसकी बाहरी परत को क्या कहते हैं अपन? कोशिका भित्ति। और इसकी अंदरूनी परत को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका का बाहरी आवरण एक परत का ही बना होता है। अब इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है? द्रव, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इसमें भी द्रव भरा है, इसको भी क्या कहते हैं? इसमें जो जंतु कोशिका में जो द्रव भरा रहता है, उसको कोशिका द्रव कहते हैं, है ना। इसके बाद फिर अपन चलेंगे केंद्र। केंद्र कोशिका का मुख्य भाग रहता है। केंद्र के द्वारा ही जंतु है, कोशिका है, पादप कोई भी कोशिका है, उसमें क्या होता है? वो पूरे कोशिका पर नियंत्रण रखती है, और उसका विभाजन और वृद्धि में भी केंद्र क्या करता है? सहायता करता है। दूसरे नंबर पर कौन सा अंग है? दूसरे नंबर पे है साइटोप्लाज्म। ये हमने साइटोप्लाज्म, जैसे इसमें ये जो द्रव भरा है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों में देखो, इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया किस आकार का रहता है, है ना। इसमें यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया किस आकार का रहता है? दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया प्रमुख अंग है। ये ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है ना। ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है।
ये क्वेश्चन में आता है जरूर, ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऊर्जा को संचित करके रखता है। अब दूसरा हरित लवक, हरित लवक के उसमें अपन जानते हैं क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल कहाँ में पाया जाता है, पादप में, जंतु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। पौधों की पत्तियां जो हरी दिखती है वो किस कारण दिखती है हमको, हरित लवक या क्लोरोफिल के कारण। तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, है ना। अब देखो अंतर प्रदर जालिका, ये पादप कोशिका में भी पाई जाती है और ये जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और केंद्रक से बिल्कुल निकट रहती है। इसके बाद क्या आएगा, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, इस बात का ध्यान रखना है ना। फिर आगे क्या है, रिक्तिका, ये भी बड़ी रिक्तिका, ये पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है, संख्या में कम होती है। जंतु कोशिका में रिक्तिका ये दिख रही है, ये छोटी होती है और संख्या में ज्यादा होती है, है ना। इसके बाद है गालजीकार, ये क्या करता है, पदार्थों का संश्लेषण करता है, दोनों में गालजीकार पाया जाता है। दूसरा लाइसोसोम, ये कोशिका में आने वाले पदार्थों को क्या करता है, पचाता है, क्या करता है, पाचन का कार्य करता है। राइबोसोम, ये भी दोनों में पाया जाता है और ये तो ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण, जो हम भोजन करते हैं उसमें जो प्रोटीन रहता है ना उसको पचाने का काम करता है। और ये हो गया अपने सारे कोशिका में, ये इनमें अंतर विशेष रहता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अपन ने क्या देखा, दो अंतर, एक हरित लवक इसमें पाया जाता, इसमें नहीं पाया जाता, इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इस तरह से समझ में आ गया, कोशिका जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जल्दी समझ।